We are live. So hello everyone, very good afternoon to all of you. आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर. और जैसे आप सभी को पता है कि कंपटीशन कम्युनिटी की तरफ से कुछ दिनों से ऑलरेडी हमारे टीचर्स जो हैं मेंस ओरिएंटेड क्लासरूम या मेंस ओरिएंटेड प्रोग्राम आपके लिए लेकर आ रहे हैं. इसका नाम रखा गया है संग्राम 2023-24 और ये टोटली कम्प्लीटली बेस्ड होगा जितने भी विद्यार्थी इस वर्ष चाहे आने वाले वर्षों में मुख्य परीक्षा में अपियर हो रहे हैं. क्योंकि यह जो प्रोग्राम होता है, यह जो कार्यक्रम जो हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्योंकि एक प्रकार से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में, हम पेपर वाइज तो ला ही रहे हैं, प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि किन किन बिंदुओं पर, किन किन पोर्शन पर और कौन कौन सा जो सेक्शन है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, उनका एनालिसिस कैसा होगा, पिछले कुछ वर्षों में ट्रेंड कैसे रहा है, वो तमाम चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान दिया जाता है और उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाता है. तो एक बार जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं एक बार सभी बता देंगे, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल टू यू? फिर आज के सेशन की हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं, ठीक है? चलो तो एक बार सभी बच्चे बता देंगे, एवरीथिंग इज़ ओके? प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा सभी. फिर हम आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है? सो बेसिकली आज का जो सब्जेक्ट है या हमारा जो टॉपिक है, ये है एनवायरनमेंट. और ये पेपर नंबर आपका 4 के अंतर्गत थर्ड पार्ट होता है और थर्ड पार्ट में भी आपको कुछ डिविजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना? सो यहाँ पर जो हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं, एक बार मैं आपको बता दूँ, हम जो आज टॉपिक डील कर रहे हैं एनवायरनमेंट, बेसिकली जो पेपर है इसका जो नाम होता है वो आपका अप्लाइड एंड बिहेवियरल साइंस के नाम से आता है. और इसको जो है हम लोग दो पार्ट में जनरली देखते हैं, एक आपका टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो जाता है और एक आपका हो जाता है एनवायरनमेंट वाला पार्ट. यानी कि पेपर नंबर फोर का आपका पार्ट 3, तीसरा पार्ट. और इस तीसरे पार्ट के भी दो भाग होने वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाला पार्ट और साथ ही साथ आपका एनवायरनमेंट. टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से अगर हम देखें तो आपका डिफेंस वगैरह नहीं पूछा जाता, ना ही आपका स्पेस टेक्नोलॉजी, वो कंप्यूटर और कृषि आधारित आपका ज़्यादातर पूछा जाता है क्योंकि सिलेबस में वही दिया है. जिसमें से हम देख रहे हैं कि इस 75 मार्क्स में, 75 नंबर के इस डिवीज़न में, अगर मैं इसको दो पार्ट में कर रहा हूँ, मैं एनवायरमेंट वाले सेक्शन को अगर मैं लेता हूँ, तो ज़्यादातर यह देखा गया कि लगभग 40 नंबर का ऑन एंड एवरेज के यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है? ऑन एंड एवरेज ऑल ओके ना? चलो वेरी गुड. ऑन एंड एवरेज यहाँ पर 40 नंबर का जो सेक्शन है या 40 नंबर का जो पोर्शन है वो हमारा सीधा सीधा होने वाला है पर्यावरण का. और ये इतना आसान है, इतना आपका इजी है कि आपको जान के आश्चर्य होगा कि ओ माय गॉड सर, इतने सारे क्वेश्चंस और इतने आपके कम वेटेज के लिए. मतलब अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, आइए आपको दिखा दें कि यहाँ पर कौन कौन सा सेक्शन है और कितने कितने क्वेश्चंस प्रत्येक वर्ष यहाँ पर पूछे गए हैं. नंबर का जो डिवीजन वो हम लोग यहाँ पर बाद में करने वाले, सीधा सीधा हम पहले टॉपिक पर देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक पर और कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देखें, एक आपको दिया है जैव विविधता और उसका संरक्षण, यानी कि बायोडायवर्सिटी और इसके कंजर्वेशन से संबंधित, संरक्षण से संबंधित, साथ ही साथ इसके बेसिक जो डेफिनेशंस होते हैं, क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएंगी. यहां से आपको क्वेश्चन दिया जाता है. और सेकेंडली जो रहता है वो आपका होता है एनवायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण से. जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे एक सेक्शन ले लेता हूँ जिसमें आपको विशेष रूप से 2 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले और साथ ही साथ आपके 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम देखेंगे. पहले हम 2 मार्क्स वाले देख लेते हैं. ये सीधा सीधा जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है ये आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं. और आप देख सकते हैं 18, 19, 20, 22, 21 को छोड़ दें तो 2 नंबर के क्वेश्चन लगभग प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आपको पूछे गए हैं. जिनमें से जैसे स्पेशली अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो आपको पूछा गया है कि भाई जैव विविधता क्या होता है, आपको उसको बताना है, उसके खतरे क्या क्या, उसको थ्रेट है वो आपको यहाँ पर बताना है, जैव विविधता की हानि के 4 कारण लिखने हैं कि वो कौन कौन से रीजन है जिसके कारण से बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पर खतरा हो रहा है. यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि फॉर एग्जाम्पल एलियन प्रजाति किसे कहते हैं. अब देखो बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जिसको समटाइम्स हम पहली बार सुनते हैं. जब हम जैव विविधता के बारे में हम पढ़ेंगे, उनके समुदाय से संबंधित चीजों को हम पढ़ेंगे, उनके प्रकारों को हम पढ़ेंगे, उनके मेजरमेंट को पढ़ेंगे, तो आपको सारी चीजें वन बाय वन यहां पर क्लियर होंगी. जैसे उदाहरण के तौर पे हम बात कर लेते हैं यहां पर जैव विविधता को खतरा किन किन चीजों से, थ्रेट्स किन किन चीजों से है. तो जैसे सिंपल सी बात है, सबसे बड़ा जो यहां पर जो होता है उसको हम लोग जानते हैं हैबिटेट. हैबिटेट का मतलब होता है जहां पर इन लोग निवास कर रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर ये निवास करते हैं, जो इनका आवास स्थान होता है उसे को हम बोलते हैं हैबिटेट.
लॉस या फिर डिस्ट्रक्शन। ठीक, तो जैसे उदाहरण के तौर पे आप किसी क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, आप कहीं पर रहते हैं और मैं पूछूं कि भाई सबसे बड़ा खतरा किस चीज़ का है, सबसे ज़्यादा डेंजरस या सबसे ज़्यादा हमारे लिए घातक क्या हो सकता है, तो मैं आसान सी भाषा में कहूँगा अगर मेरा घर या जहाँ पर मैं निवास कर रहा हूँ वहाँ को हटा दिया जाए या उसको गायब कर दिया जाए तो हम जाएंगे कहाँ। इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करते हैं तो हमारा जो घर है अगर ये बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड रीजन में, बहुत ज़्यादा प्रदूषित क्षेत्र में, तो भी हमको नुकसान होगा, तो भी हम प्रभावित होंगे। और ये प्रदूषण एक ऐसी चीज है जिससे आपका जल में रहने वाले जीव, साथ ही साथ स्थल में रहने वाले जीव और जितने भी ऐसे जीव होते हैं जिसको हम लोग बर्ड्स की कैटेगरी में लेते हैं, वो सारे के सारे प्रभावित होंगे। इसके अलावा अगर यहां पर हम बात करते हैं तो ओवर कंजम्पशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, हद से ज्यादा यूज कर रहे हैं। जैसे कोरल रिफ की हम बात करते हैं, प्रवाल भित्तियों का खत्म होना, प्रवाल विरंजन का आना हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक तो प्रवाल भित्तियों की संख्या इतनी कम हो चुकी है, ऊपर से हम बहुत सारे पर्पस के लिए, मेडिकल पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, अपने सजावटी सामानों एंड ऑल, उसके लिए हम इनका उत्खनन करते हैं, इसके लिए हम इसका दोहन करते हैं, तो ओवर आपका कंजम्पशन या एक्सप्लोटेशन भी इसका सबसे बड़ा कारण यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सह अस्तित्व। पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक कोटेशन आप लोगों को याद होगा, सह अस्तित्व का एकमात्र विकल्प है और वो है सह विनाश। तो वैसे यहाँ पर भी होता है जिसको को एग्जिस्टेंस के रूप में हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो एक्सटेंशन होगा आपका, अगर किसी एक का एक्सटेंशन होना, यानी किसी एक का, कोई भी एक आप जंतु यहाँ पर ले लीजिए, कोई भी एक आप यहाँ पर जीव ले लीजिए, अगर कोई एक धीरे 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 खत्म हो रहा है तो उस पर आश्रित जो अन्य रहते हैं वो भी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, आपके समाप्त हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यहाँ पर कहा, फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ कोरल रिफ यानी कि प्रवाल भित्तियों की, तो प्रवाल भित्तियाँ जो रहती हैं इसको समुद्र के लिए, समुद्री क्षेत्रों के लिए इसको वर्षावन कहा जाता है, यानी कि इनको हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं। तो इनका समाप्त होना यानी कि प्रवाल भित्तियों का खत्म होना या प्रवाल भित्तियों को खतरा होना, उस पर आश्रित जो अन्य जीव जंतु हैं उनके लिए भी क्या हो जाता है, ये खतरा हो जाता है। इसको आप और बहुत ही आसान से एग्जांपल समझें, आपके घरों में या आपके मेंबर्स में से बहुत से ऐसे भी लोग रहते हैं, मान लेते हैं एक परिवार में 5 लोग हैं, ठीक है, इन 5 में से सबकी अपनी अपनी अलग भूमिका होती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो अर्निंग करता है, जो पूरा मैनेजमेंट देखता है, जो सब चीज़ का पूरा देखभाल करता है, अगर वही उस दुनिया में ना रहे तो बाकी के जो 4 लोग हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि ये बाकी के 2 लोग भी अब नहीं रह पाते, मतलब किसी एक पर जब पूरी तरीके से आश्रित हो जाते हैं, है ना, तो इनसे बाकियों को भी प्रभावित होता है और उनके कारण जो एक जो पूरा डिपेंडेंट था उनके कारण, मतलब उनके खत्म होने के कारण बाकी लोगों पर भी खतरा आ जाता है। तो इस प्रकार से जितने भी जैव विविधता हमारे यहाँ देखी जाती हैं उनमें अलग अलग आपको डिस्ट्रक्शन, अलग अलग उनको वहाँ पर लॉसेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट मेजर जो पार्ट होते हैं जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जैसे एलियन स्पीसीज की हमने बात कर ली, ऐसी प्रजातियाँ, अब एलियन का मतलब ये मत समझ लेना कि भाई जैसे कि कोई दूर से आएगा, है ना, और वो जैसे कि वाली मूवी आई थी ना, कौन सी मूवी, अपना कोई मिल गया तो वहां से जादू आता है तो उन लोग आके हमको प्रभावित करेंगे या एलियन को मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एलियन स्पीशीज का मतलब होता है ऐसी प्रजाति, सिंपल इसको हम लोग शॉर्ट में विदेशी प्रजाति कह देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के टर्मिनोलॉजीज, दोनों के टर्म्स जो हैं वो याद रखने पड़ते हैं। हाँ जी, प्लीज टॉक सम वर्ड्स इन इंग्लिश। मृणाली तुराते, बेटा इंग्लिश में तो बोल रहा हूँ मैं, एलियन को मैंने एलियन ही बोला यहाँ पर, ठीक है ना, मैंने जितनी भी चीज़ें, जितने टर्मिनोलॉजी यूज़ किए मैंने इंग्लिश में किए हैं, मैंने ना कहीं यहाँ पर फ्रेंच बोला है, ना ही मैंने कहीं यहाँ पर कुछ स्पेनिश बोला है, ना ही मैंने कुछ दूसरा लैंग्वेज यूज़ किया है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो ओके, तो आपने सुना नहीं तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, आप वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, नहीं मिलेगा तो आप बताइएगा, हम लोग सदैव तत्पर हैं 24/7 आप सभी के लिए, सभी विद्यार्थी के लिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से आप देखिए आपको सारे वर्ड जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, यहाँ पर आप समझिएगा, ये जो हम इसकी बात कर रहे हैं, है ना, एलियन स्पीसीज की जो मैं बात कर रहा था, तो एलियन जो होते हैं विदेशी प्रजातियों को बोला जाता है। जनरली जब हम पौधों की प्रजातियों की या जीव जंतुओं की प्रजातियों की स्पीसीज की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, यानी कि 2 हमारे पास बेसिकली देखने को मिलते हैं। पहला जो होता है इसको बोलते हैं स्थानीय, यानी कि लोकल हो जाएगा आपका ये, और एक जो रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं विदेशी, मतलब यही तुम्हारा होता है एलियन, याद रखना, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो स्थानीय यानी कि जो लोकल स्पीसीज होंगे,
ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे कि जब खेती करी जाती है तो एक फूल आता है, इस फूल को हम लोग बोल देते हैं बेशरम का फूल। देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर जो मैदानों वगैरह एंड ऑल यहाँ पर उगाता है। और इसको तो देखा ही होगा भाई, ये कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये तालाबों में देखने को मिलता है। ये इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आया है, यूट्रोफिकेशन यानी कि सुपोषण, जिसको चर्चा हम लोग यहाँ पर बाद में करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं कि ये कैसे बाकियों को प्रभावित करता है। अच्छा, ये देखा है कि नहीं, पहले ये तो कमेंट करके बताओ, तालाबों में, नदियों में या किसी और जगह में ये सारी चीज़ें आपने देखी होंगी, हाँ या ना, पहले मुझे कमेंट करके बताओ। और नहीं देखा होगा तो मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, आप कहाँ कहाँ से हैं ये आप मुझे कमेंट करके बता दो कि सर मैं यहाँ से हूँ करके, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ पर मिल जाएगा। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे वो भी कमेंट जरूर करना कि आप कहां से और आपने ये चीज देखा है कि नहीं देखा है। आप कोई सभी, जैसे नदियों में भी आजकल ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और ज्यादातर ऐसे क्षेत्र जहां पे आसपास कोई इंडस्ट्रीज होती है, जहां पे आसपास कोई केमिकल या फर्टिलाइजर वाला वर्क होता है, या वहां से सोर्सेस आपको देखने को मिलते हैं, उन स्थानों पर जहां पर ये जल निकाय पाया जाता है, जहां पर ये वाटर बॉडीज पाई जाती है, ऐसे स्थानों पर इनकी संख्या अधिक आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो एक टर्म्स मैंने यहां पर बताया, यूट्रोफिकेशन या फिर सुपोषण, जहां से प्रश्न आपको पूछा गया है, चलिए दोनों को मैं पैरेलल आपको डील कर देता हूं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जितने भी वाटर बॉडीज होती हैं, जितने भी जल निकाय होते हैं, वहां पर इनको हद से ज्यादा पोषण मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपका दिन में प्रति जितने भी व्यक्ति होते हैं वो लोग खाना खाते हैं, राइट। अब मैं आपको बोलूं कि भाई तुम ना सुबह से लेकर शाम तक या रात तक हर 2 घंटे में कभी पिज्जा ठूस लो, कभी ये ठूस लो, कभी वो खा लो, कभी ये खा लो, हद से ज्यादा खाओगे तो क्या होगा, अति पोषण हो रहा है ना तुम्हारा, तो तुम्हारा बॉडी कभी यहां से निकलेगा, कभी इधर निकलेगा, कभी उधर निकलेगा। अच्छा, इसमें समस्या क्या है कि आपको तो प्रॉब्लम हो गई होगा, आपको परेशानी होगी होगी। आप ये मान के चले कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी दूसरे का भी हिस्सा ले रहे हैं, मतलब आप किसी दूसरे का भी खा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर जिनको मिलना चाहिए था उनको नहीं मिल रहा है, और आपको आवश्यकता नहीं थी और आप एक्स्ट्रा खा रहे हैं या फिर आप एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं, तो ये दोनों के तरीके से क्या है, हमारा सही नहीं है। मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस की जब हम यहां पर बात करते हैं, पारिस्थितिकी संतुलन की जब हम यहां पर बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, नुकसानदेह होता है। तो चाहे आप इसको इस दृष्टि से देखें, चाहे उस दृष्टि से देखें, ये जनरली एलियन स्पीसीज जो होती हैं वो वहां की स्थानीय प्रजातियों को यानी कि लोकल स्पीसीज को हटा के अपना प्रभुत्व जमाने लगती हैं। इन्हीं को ही कहा जाता है एलियन स्पीसीज, जिसमें से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉमन प्रश्न होते हैं, 2-4 और टॉपिक जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, जिसमें क्वेश्चन जैसे उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपको पूछा गया है भारत में जैव विविधता के संवेदनशील क्षेत्रों का वर्णन करें, राइट। अब जब हम यहाँ पर आते हैं तो इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको 2-3 चीजें यहाँ पर देखनी होगी। जैसे यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भाई ये जो विविधता होती है अनुवांशिक यानी कि जिसको हम लोग जानते हैं जेनेटिक, फिर यहां पर पूछा गया प्रजाति यानी कि आपका स्पेसिस, और यहां पर पारिस्थितिकी, को बड़े ही आसान सी भाषा में समझा। और एक और क्वेश्चन यहां पर है जैव विविधता के किन्हीं 4 प्रमुख महत्व और इसकी हानि के 4 प्रमुख प्रभावों का वर्णन करें, मतलब बायोडायवर्सिटी की क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं, और साथ ही साथ इनके क्या क्या नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ रहे हैं, मतलब इनके लॉस होने से क्या क्या हमारे पास नुकसान हो सकता है, उन चीजों को यहां पर आपने बताना है। मतलब इन जनरल टर्म्स अगर हम यहां पर बात करते हैं तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जब किसी भी स्पीसीज की आप बात करें, किसी भी प्रजाति की आप बात करते हैं, आप उदाहरण के तौर पर किसी रेस्टोरेंट में गए, अब जब रेस्टोरेंट में जाते हो तो आप उसको किसी भी चीज को यदि समझना रहता है ना, तो आप उसको जड़ से समझा करो, आप उसको रूट से समझो, आप उसको बेस से समझो, जो चीजें आपको एकदम आसानी से समझ आए वहां से समझो, फिर हम उसको टेक्निकल वर्ड में कन्वर्ट करते चलेंगे। जैसे हमने रेस्टोरेंट का एग्जांपल दिया, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास चॉइस होती है कि भाई आपको वेज खाना है या फिर आपको नॉन वेज खाना है। जब आपने वेज चूज कर लिया तो आप कहते हैं कि सर मेरे को ना वेज में भी नॉर्थ इंडियन लेना है या मुझे साउथ इंडियन लेना है, फिर आपने फिल्टर कर लिया कि मुझे साउथ इंडियन लेना है, तो साउथ इंडियन में भी आपको क्या लेना है, आपके पास इडली है, आपके पास डोसा है, आपके पास उत्तपम है, बोले कि सर मुझे ना डोसा खाने हैं। अब डोसा में भी कैसे डोसा खाना है, आपको क्या मसाला डोसा लेना है या फिर आपको कट पीस लेना है या फिर आपको क्या लेना है, आपने यहां पर फिल्टर कर लिया। आप इन चीजों को, आपको लग रहा होगा कि सर ये सब एग्जाम में थोड़ी आएगा, कौन बोल रहा है एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन मैं इसको
को रिलेट करा पा रहा हूं, आप उसको फील कर पाओगे। तो चलिए अब वापस आते वहां से जहां पे हमने स्किप किया हुआ था। अब आपने क्या कर लिया, आपने डोसा के डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज देखी। वैसे आप यहां पर क्या देख सकते हैं, ये डॉग है, इनके डिफरेंट डिफरेंट क्या देख रहे हैं आप, जींस देख रहे हैं। मतलब ये डॉग जो है आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का है, ये बिल्कुल छोटा सा है, इसका साइज बड़ा है। मतलब किसी एक स्पीसीज के अंतर्गत हम यहां पर बात कर रहे हैं, कोई एक स्पीसीज लीजिए, कोई एक प्रजाति लीजिए, उन प्रजाति के अंदर अलग अलग जीन्स, अलग अलग उनके जनरेशन में आने वाले चेंजेस, अलग अलग विविधताओं को हम क्या कह सकते हैं, जेनेटिक। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं उदाहरण के तौर पे गुलाब का जो फूल आता है, तो गुलाब के भी कईयों फूल होते हैं। कुछ फूल जो रहते हैं वो रेड कलर के होते हैं, जिसको कुछ और पर्पस के लिए दिया जाता है। कुछ फूल जो रहते हैं वो सफेद कलर के लेते हैं, जिसको कुछ और पर्पस के लिए दिया जाता है। कुछ और रहते हैं वो पीले कलर के होते हैं, पर्पस आपको पता होगा क्यों दिया जाता है। तो सभी फूलों का महत्व अलग अलग है सबके सब गुलाब। अब हम आते हैं, हमने किसकी बात कर ली, केवल गुलाब के अंतर्गत थे। अब हम एक पूरे फूल वाले कैटेगरी को देखते हैं। जब पूरे फूलों की हम बात करेंगे तो एक गुलाब हो गया, एक कमल हो गया, एक चमेली हो गया। अब ये जो विविधता आ रही है, ये जो आपके वैरायटी आ रही है, इस विविधता या इस वैरायटी को हम लोग क्या बोल देंगे, तब हम इसको बोलेंगे स्पीसीज बोलेंगे। पहले सिर्फ जो गुलाबों में विविधता देखने को मिल रहा था, जो रोज में था, रोज के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, ये क्या था आपका, अनुवांशिक था। फिर हमने बहुत सारे फूल देखे, बहुत सारे हमने फ्लावर्स देखे, राइट। अब बहुत सारे फ्लावर्स आपको देखिए, एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ एक फ्लावर मिलता है, तो मैं वो नहीं बोलूंगा कि सर वहां पर आपका प्रजाति विविधता है या वहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी है ही नहीं। हाँ, बहुत सारे अगर टाइप के गुलाब हैं तब मैं कह सकता हूं कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र में खूब सारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, लेकिन स्पीसीज नहीं है। यानी कि वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में अनुवांशिक विविधता है, प्रजाति विविधता नहीं है। प्रजाति विविधता कब होगी, जब विभिन्न प्रकार के फूल और फल आपको वहां पर देखने को मिलेंगे, तब आप कहेंगे कि सर यहां पर स्पीसीज डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। ओके, अब हम फाइनल आते हैं, ये सबसे बड़ा होता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको कहा जाता है पारिस्थितिकी विविधता। अब इसको आप इस प्रकार से समझें कि भाई एक ऐसा फूल है जो कि कहां पर उगाया जा रहा है, जो जमीन पे उगाया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब जिसकी सिंपल खेती करी जा रही, जो लैंड पे हो रहा है। और एक ऐसा फूल है सर जो पानी में होता है, मतलब हमने यहां पर लैंड वाला भी ले लिया, हमने यहां पानी वाला भी ले लिया, हमने सभी प्रकार के इकोसिस्टम को। जनरली यहां पर जब हम बात करते हैं ना, तो बायोम की चर्चा करी जाती है, जिसे बायोम या फिर जीवोम कहते हैं, याद रखना। क्या बोले हम इसको, हिंदी में हमने इसको जीवोम कहा, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं बायोम। तो जब हम इसकी चर्चा करते हैं तो अलग अलग बेसिकली पांच टाइप के बायोम्स हम पढ़ते हैं, जिसमें से एक टुंड्रा हो जाता है, एक आपका ग्रासलैंड यानी कि घास तंत्र होता है, एक आपका फॉरेस्ट हो जाता है, एक डेजर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो बायोम आपको मिलेंगे, उनमें सभी प्रकार का, जितने नंबर्स इनके ज्यादा होंगे उतनी विविधता इनकी ज्यादा होगी। तो यहां पर यह देखा जाता है कि कितने प्रकार के परितंत्र हैं, कितने प्रकार के इकोसिस्टम्स हैं, जितने ज्यादा होंगे उतनी अधिक यहां पर वैरायटीज, उतनी अधिक यहां पे विविधता देखने को मिलेंगी। तो इसको हम लोग किसके अंतर्गत काउंट कर लेते हैं, इसको हम काउंट करते हैं इकोलॉजिकल, राइट। चले, तो इस प्रकार के प्रश्न जो रहते हैं काफी आसान है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं जंगल इकोसिस्टम की यहां पर हम बात करें, तो यहां पर प्रजाति विविधता जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेंगी, ठीक है। चले बेटा आगे बढ़ जाते हैं, और क्या क्वेश्चन यहाँ पे जनरली पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर एक है भारत का जैव भौगोलिक क्षेत्र, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि दो बार आपको पूछा गया है, बट संभावना है कि इसको और भी पूछी जा सकती है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो आपको तीन प्रकार से इसको डील करना होता है, तीन प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब हम आते हैं यहां पर, तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जब बात करी जाती है, सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, जब मैप ऑफ इंडिया बना के ही आप इसको याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे केसेस में आपके लिए याद रखना आसान हो जाता है, क्योंकि इससे ना सिर्फ एक क्वेश्चन बल्कि मल्टीपल क्वेश्चन यहां पे आप डील कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने बात कर ली, आपको कोई चार आपको बोला गया है, तो बेटा सबसे पहले आप चले जाएंगे तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा किसके अंतर्गत आता है, तुम्हारा हिमालयन के अंतर्गत आता है। इसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट को अलग ही रखा गया है, यहां पर इसको अलग माना है, हिमालय को हमने यहां पर अलग माना है, हमने यहां पर डेजर्ट रीजन जो है जिसको एरिड रीजन के रूप में जाना जाता है, मरुस्थली, उसको हमने अलग माना है, अर्ध शुष्क यानी कि सेमी एरिड जो है इसको हमने यहां पर अलग माना है, अर्ध शुष्क। यहां पर जो वेस्टर्न घाट वाला रीजन है इसको हमने यहां पर अलग माना है। मैं अभी तप्त स्थल नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं अभी हॉटस्पॉट नहीं बता रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र कितने पार्ट में इसको बांटा गया, टोटल 10 भागों में क्या किया गया, इसका वर्णन, सॉरी 10 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। तो यहां पर उन्होंने कोई चार बोला था। देखिए, आपके पास ये लिबर्टी होती है, आपके पास ये स्वतंत्रता होती है, जब आपको किसी भी
आपको पता है कि 8 पार्ट हैं, आपको पता है कि 10 पार्ट हैं, आपको पता है कि 15 पार्ट हैं, और आपसे कह दिया जाए कि आप किन्हीं 4 किन्हीं 5 एंड ऑल इसको कर ले, तो आपके पास लिबर्टी होती कि आपको जो उस समय याद आ रहा है आप उसको लिख लें। तो जैसे हमने जो मेजर एरिया है इसको हमने यहां पर कवर किया, जब भी आप इन एरिया को कवर करते हैं तो सबसे बड़ा तरीका या सबसे आसान तरीका होता है क्वेश्चन, जैसे यहां पर आपको पूछा गया है ये आपके 2 मार्क्स के, ध्यान से समझना बेटा, 2, 4, 10, 8, इसमें कैसे इसी क्वेश्चन को बनाना है, चलिए इसका भी मैं एक तरीका आपको यहां पर बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को, सेम प्रश्न को, भारतवर्ष के किन्हीं 4 जैव भौगोलिक क्षेत्रों के नाम लिखें, एनी 4 बायो जियोग्राफिकल एरिया, क्वेश्चन ये आपको पूछ रहा है, 2 मार्क्स है, इसी को मैं 2 में बताऊंगा, इसी को मैं 4 में बताऊंगा, इसी को मैं 8 में बताऊंगा, और इसी को मैं 15 में बताने वाला हूं। आपको तरीका पता होना चाहिए, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको फ्रेमिंग पता होनी चाहिए, राइट। आइए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये तो अभी एक जनरल एक इंट्रोडक्शन है, एक ओरिएंटेशन है कि हम किस प्रकार से आपके साथ डील करने वाले हैं, कैसे क्लासेस बताने वाले, कैसे चीजें आपको पढ़ाई जाती है और क्या क्या चीजें हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, बेसिकली उसका एक यहां पर कह सकते हैं एक डेमोन्स्ट्रेशन है। मैं आपको इस चीज को बताने वाला हूं कि कैसे हम इसको डील करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तो सबसे पहले कंटेंट रेडी करना है, ठीक है ना। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप आंसर मेन कॉपी में नहीं लिख रहे हो, अभी आप अपने लिए क्या रेडी कर रहे हो, आप अपने लिए कॉन्टेंट रेडी कर रहे हो, राइट। वी आर एट कॉन्टेंट, हम यहां पर कॉन्टेंट पॉइंट पर हैं। अब कॉन्टेंट रेडी करना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले आपने करनी है, नंबर 1 है मैपिंग। अभी हम आंसरिंग पे नहीं आ रहे हैं, अभी हम कॉन्टेंट रेडी कर रहे हैं अपन, ठीक है क्या। तो जब भी कोई चीज करते हैं, मैं एक एग्जाम्पल यहां पर दे रहा हूं और इसी के आधार पर बाकी चीजों को भी करने वाले हैं। अब बड़ा सवाल यह है सर कि मैपिंग किस में करें, सब में तो नहीं कर सकते। जी हाँ बिल्कुल नहीं कर सकते, जैव विविधता वाला है, एरिया वाला है, तो डेफिनेटली मैपिंग करेंगे। अगर यहीं से आगे क्वेश्चन IUCN का आगे आने वाला है, IUCN में क्या है मैपिंग करेंगे हम। यहीं से आगे क्वेश्चन आने वाले पोल्यूशन का, पोल्यूशन में क्यों मैपिंग करेंगे, वहां पे आवश्यकता नहीं है, जहां पर नीड है, जहां पर आपको आवश्यकता है वहां पर हम करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कर ली, हमने मैपिंग कर ली जितने हमारे पास एरियाज हैं। नंबर 2 हमारे पास जो होता है, हमने यहां पर क्या कर देना है, मैपिंग के बाद उनकी लिस्ट बना लेनी है। लिस्ट का मतलब जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल यहां पर लिखा, उदाहरण के तौर पे कोई सा भी एक एरिया ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल मैं वेस्टर्न घाट ले लेता हूं, पश्चिमी घाट लिखा मैंने। अब इसका लोकेशन मैं देखूंगा कि स्थिति इसकी क्या है, लोकेशन इसकी स्थिति कहां पर है, किधर है, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख वेजिटेशन, वेजिटेशन का मतलब क्या हो रहा है, वनस्पति, कौन कौन सी वनस्पतियां इधर पाई जाती हैं, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख जीव जंतु, एनिमल्स, जीव जंतु, ठीक है। इसके अलावा हम यह भी देख सकते हैं क्या इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र की हम चर्चा कर रहे हैं उस क्षेत्र में क्या कोई नेशनल पार्क है, क्या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो बहुत फेमस है, या कोई बायोस्फीयर रिजर्व है, या कोई टाइगर रिजर्व है, या कोई एलिफेंट रिजर्व है, या कोई रामसर साइट है, या कोई अन्य जो कम्युनिटी रिजर्व है या कंजर्वेटिव, जितने भी हमारे पास महत्वपूर्ण स्थलों की सूची है इनमें से क्या कोई वो पड़ता है। आप देखिए कितना सारा चीज एक जगह पे यहाँ पे आपको कंक्लूड कराया जा रहा है। मैंने क्या क्या चीजें बोली, राष्ट्रीय उद्यान की मैंने बात कर ली, वन्य जीव अभयारण्य की मैंने बात कर ली, मैंने बायोस्फीयर रिजर्व की मैंने बात करी, मैंने टाइगर रिजर्व की मैंने बात करी, एलिफेंट रिजर्व की बात कर ली, हमने यहाँ पर रामसर साइट्स की बात कर ली, साथ ही साथ हमने कम्युनिटी रिजर्व एंड ऑल, जितने भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थलों की सूची होगी जो सीधे सीधे संबंधित है पर्यावरण से, जो सीधे सीधे संबंधित है आपके वनों से, जीव जंतुओं से, उनको यहाँ पे आपने कवर कर लेना है। साथ ही साथ यदि आपको ऐसा लगता है कि हाल ही के दिनों में, चूंकि ये कंटेंट रेडी किया जा रहा है एक बड़े क्वेश्चन के लिए, यानी कि 15 नंबर तक यदि प्रश्न आ जाए तो हम क्या क्या चीजें वहां पर इंसर्ट कर सकें, इस चीज के लिए यहां पे आपको रेडी किया जा रहा है। तो हाल ही के दिनों में यदि वो करंट अफेयर्स में रहा होगा, अगर वो न्यूज में रहा होगा वो क्षेत्र, तो यस आपको उसका वैल्यू एडिशन जरूर करना है। बहुत से ऐसे विद्यार्थी
साथी होते हैं जो मैंने देखे हैं, जब आंसर चेकिंग करी जाती है इनकी, तो वो करंट की जो चीज़ें रहती हैं जो अगर चर्चा में है तो उसको वहाँ पर एडिशन ज़रूर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तो हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ या फिर तमिलनाडु वाले क्षेत्र की मैं बात करूँ, तो पिछले वर्ष यह क्षेत्र जो न्यूज़ में था वो अपने ड्योगोंग संरक्षण केंद्र के कारण, ड्योगोंग एक प्रकार का समुद्री गाय होता है और इसके कंजर्वेशन के लिए, इनके संरक्षण के लिए यहाँ पर एक केंद्र जो है स्थापित किया गया, जो कि अपने आप में पहला ड्योगोंग संरक्षण सेंटर यानी कि केंद्र यहाँ पर बना है। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि चर्चा में हैं, इस प्रकार की यदि आपको कुछ नॉलेज या कुछ न्यूज़ जो आपको समझ में आते हैं उन चीज़ों को यहाँ पर डेफिनेटली आपने लिखनी है। समटाइम्स ऐसे आता है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो लास्ट टाइम जो है यहाँ पर वेम्बनाद आपको देखने को मिलेगा, जो कि कई बार आपका न्यूज़ में बनता है, और लास्ट ईयर ये वेम्बनाद भी आपका न्यूज़ में था। इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि वेम्बनाद जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है, सेकंड लार्जेस्ट रामसर साइट है, और दूसरा बड़ा रामसर साइट होने के नाते इसके देखरेख करना, इसको सुनिश्चित रूप से कि भाई यहाँ पर कहीं गंदगी तो नहीं हो रही है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखना सरकार का कर्तव्य होता है। और इसमें सरकार यदि असफल पाई जाती है तो एनजीटी के द्वारा यहाँ पर कुछ फाइन जो है इम्पोज किया जाता है। तो पिछले वर्ष वेम्बनाद झील को लेकर भी न्यूज़ में रहा था, चर्चा में रहा था। तो इन सभी चीज़ों का आप वैल्यू एडिशन यहाँ पर कर सकते हैं जब आप लिखेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, यहाँ पर आपने ये इतनी सारी चीज़ें रेडी कर ली, किसके लिए, आने वाले प्रश्नों के लिए। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चन की, हम बात करते हैं प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न यह कहता है कि भारत के किन्हीं चार जैव भौगोलिक क्षेत्रों का नाम लिखें। आइए, दो नंबर में बेटा कुछ नहीं करना है, दो नंबर का जब क्वेश्चन आपके पास आ रहा है तो आप चुपचाप लिख दिए कि भाई मेरे पास कोई चार बोले ना तो लिख दो। एक हो जाएगा आपका हिमालयन हो जाएगा, दूसरा आपका नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्वी भारत हो जाएगा, तीसरा आपका पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है ना, और चौथा आप लिख दीजिए मरुस्थल या डेजर्ट रीजन। हो गया, आपको केवल इतने लिखने हैं। दो नंबर के प्रश्न में जितना पूछा जाए केवल उतना लिखो। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि सर इसको लिखने के दौरान मेरे को थोड़ा सा कमी महसूस हो सकता है या मुझे ऐसा लग सकता है कि पता नहीं इसमें नंबर देंगे कि नहीं देंगे, तो आप क्या करिए, आप इसका थोड़ा सा बस मैपिंग कर दीजिए, उसके अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सर अगर सेम क्वेश्चन अगर चार नंबर का आ गया, यही क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, सेम क्वेश्चन यदि आपको पूछा जाता है चार नंबर में आ गया, भारतवर्ष के चार जैव भौगोलिक क्षेत्रों के नाम, चार जियो आपका जियो बायो ज्योग्राफिकल एरिया के नाम यदि आपसे पूछा गया, तब हम उसमें क्या करें, तब ये नाम तो लिखने ही है। सेम हमने यहाँ पर नाम लिख दिया, अब कुछ नहीं करना है। अब आपने बता देना है कि हिमालयी क्षेत्र की जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हिमालयी जो क्षेत्र होता है ये प्रसिद्ध है किसके लिए, अपने वनों के लिए, साथ ही साथ इसमें जो कुछ जीव जंतु, वन कौन से वन होंगे यहाँ पर, सिंपल सी बात है यहाँ पर पर्वती वन पाए जाएंगे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, शंकुधारी, ठीक है, यानी कि जिसको कॉनिकल वनों के रूप में जाना जाता है। तो शंकुधारी वन की खासियत नहीं लिखनी, सिर्फ बता देना है शंकुधारी वन, जैसे एक आदि के नाम देवदारिन चीड़ आपने यहाँ पर बता देनी है, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे लगता है कि जानवरों के नाम, तो आप बता देना सर स्नो लिपर्ड यानी कि जिसको हम लोग जानते हैं एक ऐसा तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ जो होता है जिसके हिमाचल का राजकीय पशु भी है, तो एक आदि जानवरों के नाम आपने यहाँ पर बता दिए सिंगल, क्योंकि चार नंबर का है, एक वन एक जानवर, ज्यादा नहीं करना है। एडिशन किस में करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर यहाँ पर हम चलते हैं उत्तर पूर्वी में, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र भी आपको दोनों प्रकारों के वन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है, सदाबहार वन यहाँ पर पाए जाते हैं, आप इससे भी बता देना है सदाबहार वनों, और किस प्रकार के जानवरों के लिए, तो सुनहरे लंगूर, गोल्डन लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी घाट में जब हम आते हैं तो आपको बता देना है सर यहाँ पर भी सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट, साथ ही साथ ये उभयचर और सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स और एम्बिफेरस के लिए जाना जाता है, ऐसे पशु पक्षी जो जल और आपके थल दोनों में रहते हैं उनको उभयचर कहते हैं। सरीसृप यानी कि जो आपके जैसे कि सांप है, आपके बिच्छू एंड ऑल, इन कैटेगरीज वाले जो प्राणी हैं उनको हम लोग सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के अंतर्गत जानते हैं, तो इनके लिए आपके फेमस हैं। फिर आप चले जाइए मरुस्थल में, तो ये जो क्षेत्र होता है ये वेजिटेशन के मामले में बहुत कम है, बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, साथ ही साथ यहाँ के जो प्रमुख जंतु हैं इसमें आप लिख सकते हैं फॉक्स यानी कि लोमड़ी और आपके ऊँट। केवल इतने करने हैं, मतलब स्थानों के नाम लिखे और बस आगे आपने बता दिया कि यहाँ यहाँ पर ये जानवर और ये जंतु पाए जाते हैं। चार नंबर के प्रश्न में इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं करना है। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। चलिए,
यहाँ तक क्लियर क्या बेटा सभी को? अब हम इसी को करते हैं। अगर सर ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल सपोज 8 नंबर या फिर 15 नंबर के लिए, ठीक है, तो 8 नंबर और 15 में क्या क्या करना है ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। जब ये क्वेश्चन आपको 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा तो आपने यहाँ पर कंपलसरी आपने मैप बनानी है। आपको चार बोला गया बेटा, याद रखना, तो आपके लिए कंपल्शन हो जाता है यहाँ पर मैप बनाना, 8 में भी होगा और 15 में भी होगा, ठीक है। मैप बनाने के बाद आप जैसे यहाँ पर एक्सटेंशन किए, आपने हिमालय के बारे में बताया, आपने वहाँ पर अब जीव जंतुओं की संख्या को आपने यहाँ पर बढ़ा देनी है। जैसे आपने यहाँ पर सिर्फ क्या बताया था, आपने स्नो लिपर्ड कहा था, आप बता दो भाई यहाँ पर ब्लैक नेक्ड क्रेन यानी कि काली गर्दन वाली सारस देखने को मिलती है, ये विशेष रूप से कहाँ पर, लद्दाख रीजन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा बता दो भैया कि यहाँ पर जो देखने को मिलेगा इस रीजन में एक विशेष प्रकार का हिरण जिसको हम लोग जानते हैं हंगुल के रूप में जानते हैं, ये प्रकार का डियर है जिसको हम लोग कश्मीर के दाचीगम वाले क्षेत्र में देखते हैं, और ये जो डियर है इसको हम लोग वहाँ पर जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में स्टैग या कश्मीरी स्टैग के रूप में भी हम जानते हैं, ठीक है। तो आपने कम से कम 2-3 जानवरों के नाम बता दिए, 2-3 वेजिटेशंस के नाम यहाँ पर बता देना है कि उष्णकटिबंधीय या फिर यहाँ पर टेम्परेट जो फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं, पर्वतीय वन पाए जाते हैं, इनमें आपके लाइक यहाँ पर देवदार हो गया, आपका चीड़ हो गया, ब्लू पाइन है, सिल्वर फर है, ये सारे पेड़ों के नाम आपने यहाँ पर बता देने हैं, तो थोड़ा सा आपका वर्ड बढ़ जाएगा। यहाँ पर जब हम चलेंगे नॉर्थ ईस्ट वाले में तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें बतानी है, यहाँ पर आप बता दिए सदाबहार वन, सदाबहार वनों के कुछ आपने टाइप्स यहाँ पर बता देने हैं। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हो कि इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन कौन सी चीज़ें हैं। जानवरों के नाम आपने यहाँ पर 2-3 और एक्स्ट्रा बता दिए, उड़ने वाली गिड़हरी रामदफा में पाई जाती है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर बता दी। मतलब कहने का है जैसे ही 8 नंबर का आएगा तो आपको अब सिंगल सिंगल पेड़ पौधे और जानवरों के नाम के बजाय आपने क्या करना है, यहाँ पर 2-2, 3-3 जानवरों के नाम, 2-2, 3-3 पेड़ पौधे या उनकी प्रजातियों के नाम, साथ ही साथ यहाँ पर आपने बता देने हैं कि कुछ स्थान विशेष जो यहाँ पे फेमस होने वाले हैं। 15 नंबर का जब क्वेश्चन आएगा तो ये सारी की सारी चीज़ें रहेंगी, मैपिंग भी रहेंगी, आपको फुल फ्लैश यानी कि हिमालय वाले रीजन में आने वाले ऑलमोस्ट सभी प्रकार के नेशनल पार्क, ऑलमोस्ट सभी प्रकार के आपको बायोस्फीयर रिजर्व जो यहाँ पर देखने को मिलेंगे और रामसर साइट्स, इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा क्योंकि उस क्षेत्र में आने वाले और साथ ही साथ उसकी जलवायुवी विशेषताएं भी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी। जलवायुवी विशेषता यानी कि कहने का मतलब ये होता है सर कि यहाँ का क्लाइमेट किस प्रकार का है, और क्लाइमेट का टाइप बताने के लिए सबसे बेस्ट जो साधन होता है वो होता है आपका कोपेन। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज़ जो समझ आ जाएगा, जैसे आप ज्योग्राफी में जब आप पढ़ते हैं चीज़ों को तो कोपेन का जब जलवायु वर्गीकरण हम देखते हैं तो वहाँ पर हम कहते हैं कि यहाँ पर टुंड्रा प्रकार की जलवायु पाई जाती है, यहाँ पर ई इसको पोलर टाइप की जलवायु कहते हैं। जब हम नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे यहाँ पर आपका, तो विशेष रूप से अरुणाचल का नीचे वाला जो रीजन है, अरुणाचल में तो डीएफसी आएगा, अरुणाचल का जो नीचे वाला जो रीजन होता है वो आपका एक प्रकार से सीडब्ल्यूजी वाले कैटेगरी में आता है। तो वो सारी की सारी चीजें आपने यहाँ पर क्या करनी है, मेंशन करनी है, ठीक है। इतना समझ आ गया कि सभी को यहां तक क्लियर? ये हमने तरीका देखा कि एक प्रश्न को किस प्रकार से आपको अगर 8 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर में दिया जा रहा है तो सेम क्वेश्चन को आपने कैसे डील करनी है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है जब तक आपके पास कंटेंट रेडी नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो प्रश्न होता है, पहला जो आपके पास जो सवाल होता है, पहली जो आपके पास शर्त होती है वो होती है आपके पास कंटेंट रेडी रहना चाहिए। यहाँ तक क्लियर क्या, एक बार कमेंट करके सभी बता देंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट। तो इसी प्रकार के जो प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, राइट। यहाँ पर एक जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि एक बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपका कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब मानव और जीव जंतुओं के बीच होने वाले संघर्ष। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा हसदेव अरण्य, मैं हर चीज को लिंक करूंगा बेटा करंट अफेयर से, याद रखना, हसदेव अरण्य वाला मुद्दा, हसदेव अरण्य वाला मामला आपने यहाँ पर देखा होगा। इस मामले में, इस मुद्दे में क्या हो रहा था कि कुछ भालू के जो बच्चे थे वो एक गाँव में पाए गए थे। अब ये मान के चले भालू का बच्चा पाएगा तो भालू का बच्चा तो कुछ करेगा नहीं, लेकिन अगर साक्षात भालू मिल जाए तो, साक्षात भालू मिलेगा तो आपको प्रणाम या जयराम तो करेगा नहीं, फिर वो आप पे अटैक करेगा, आप पे आक्रमण करेगा। क्यों आक्रमण करेगा? क्योंकि आपने उसके जगह को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना हैबिटेट लॉस,
यानी कि आपने इसके स्थान को ही विनाश कर डाला है, आपने जंगल काट के ही उसके स्थान को खत्म कर दिया है, तो कहाँ जाएगा भाई वो, आपके एरिया में आएंगे। आपने कई बार देखा होगा तेंदुए जो रहते हैं वो घरों में घुस जाते हैं, हाथी जो रहते हैं वो लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपने उनके जगह को ऑक्यूपाई किया है, जो स्थान उनके लिए छोड़ा जाना था उसको आपने नहीं छोड़ा है। ये सब कारण है, और कारण के अलावा हम इनसे कैसे निपट सकते हैं, तो निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अब आपको निपटना है, तो ऐसा नहीं है कि सामने से भालू जा रहा है तो जानबूझ के उसको, अरे भालू तो कुछ करता नहीं, करके उसको डंडा पकड़ के उसको मार दिया या पत्थर पकड़ के, पहले से मारना नहीं है। या फॉर एग्जाम्पल, हाँ भालू तो कुछ नहीं करता, एकदम बिंदास चले जाना, तो वैसे भी नहीं करना है। आपको सुरक्षित मानदंड और तरीकों का उपयोग करना है। इसके लिए जो फॉरेस्ट की जो टीम रहती है उसके बारे में समय समय पर जानकारी देती है, कॉरिडोर्स बनाए जाते हैं, वो सारी की सारी चीजें हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। इसके अलावा जब हम चलते हैं इनडेंजर्ड स्पीसीज की बात करते हैं, संकटापन्न प्रजाति, ये तो काफी महत्वपूर्ण और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने यहां पर बताया दो तीन नाम यहां पर बताए। ये जो पक्षी दिख रही है बेटा, क्या नाम है जरा बताएं इसका, कमेंट करके बताओ मुझे, यहां पर जो दिख रहा है, ये जो नजर आ रहा है, इसका नाम क्या है? ये बहुत फेमस है, कईयों से न्यूज चर्चा में रहा है, ये क्या नाम है इसका, जल्दी से बताओ कमेंट करके। कुछ लोग तो खाते भी होंगे इसको, है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, याद रखना। कौन है ये? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये, और ये जो है पिछले कई वर्षों से चर्चा में है, इसलिए चर्चा में है क्योंकि इसको सीआर कैटेगरी में डाला गया था। सीआर बोले तो क्रिटिकली इनडेंजर्ड, यानी कि गंभीर रूप से संकटग्रस्त। तो हम लोग IUCN की अलग अलग कैटेगरीज पढ़ने वाले, जैसे यहां पर आप देखें ये भैया भी चर्चा में थे, ये जो भाई साहब चर्चा में थे इसके पीछे का रीजन क्या था, ये रेड सैंडलवुड यानी कि लाल चंदन वन, तो इसको भी EN कैटेगरी में रखा गया था। EN का मतलब होता है इनडेंजर्ड, मतलब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं IUCN ने कौन कौन सी कैटेगरीज, कौन कौन सी श्रेणियां यहां पर बना रखी हैं, और उन श्रेणियों की क्या क्या खासियत है, मतलब किसको हम CR में रखेंगे, किसको हम EN में रखेंगे, किसको हम किस में रखेंगे, किसकी क्या क्या खासियत होंगी, कितने जो आपके जंतु हैं वो 90% से कम बच चुके हैं, इनके वयस्क जो प्रजाति हैं, कितने ऐसे जंतु हैं जो पिछले 10 वर्षों में विलुप्ति की दर बहुत ज़्यादा है, कितने ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कहीं दूसरी जगह बहुत ज़्यादा उगते हैं लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम मात्रा में है, तो ऐसे अलग अलग आधार पर हम इसको कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमने चीता की बात करी, चीता को हमने कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट जो है वो घोषित किया हुआ था, इसलिए किया था क्योंकि हमारे पास कोई चीता नहीं बचा था। तो भारत के संदर्भ में आपको विशेष रूप से यहाँ पर पूछा गया है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से यहाँ पर संकटापन्न प्रजाति हैं, और उसके नाम जो है उसको लिखना है, साथ ही साथ कौन कौन से वहाँ पर हमारे जीव जंतु पाए जाएंगे, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर अपने को क्या करनी है, यहाँ पे लिखनी होगी, राइट। तो ये वाला पार्ट इसके अंतर्गत आएगा। फिर हम सीधा सीधा यहाँ पर चलते हैं संरक्षण वाले पार्ट पे, कंजर्वेशन में। बेसिकली दो प्रकार के कंजर्वेशन यानी कि दो प्रकार के संरक्षण यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया, ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इंसिटू एक्सिटू क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए कौन कौन से हमारे पास मानदंड होंगे, कौन कौन से यहाँ पे हमारे पास लाइक कैटेगरीज होती है, कौन कौन से हमारे पास मानक होते हैं उसको लिखना पड़ेगा, स्वस्थानीय, अगेन देखिए तो यहाँ पर इन और एक्स सबसे ज़्यादा जो टॉपिक जहाँ पर डील किया जाना है यही डील किया जाना है, और इसी में ही हम देखने वाले हैं। जैसे कि इनकी जब हम बात करते हैं तो इसी में तीन चीज़ बेसिकली पढ़ने वाले हैं, एक बायोस्फीयर रिजर्व हो जाएगा, नेशनल पार्क हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये इंस्टीट्यूट में। एक्स की जब हम बात कर लेते हैं तो मैत्री गार्डन्स के अंतर्गत, जैसे कि आपने जूलॉजिकल पार्क आपने देखा होगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जंप प्लांट्स, सॉरी, जितने भी हमारे पास लाइक बीज बैंक होते हैं, सीड बैंक्स होते हैं, जंप प्लांट्स होते हैं जिसको स्टोर करके रखा जाता है, क्रायो प्रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, बहुत कम तापमान में इसको स्टोर करके रखते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो इसको डिटेल में अपने को कवर करना होगा क्योंकि इससे 2 नंबर 4 नंबर 8 नंबर तक के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे गए हैं। फिर एक जो पार्ट होता है वो होता है आपका पोल्यूशन, और पोल्यूशन में आपके बेसिकली सभी पोल्यूशन को दिया गया है। ऐसे नहीं कि सर हम सिर्फ एयर कर लेते हैं, या ऐसे नहीं कि सिर्फ हम वाटर कर लेते हैं,
आपको सभी पोल्यूशन से क्वेश्चन आए हैं, चाहे वायु प्रदूषण, चाहे जल प्रदूषण, चाहे यहाँ पर आप थर्मल प्रदूषण की बात कर लीजिए, तापी प्रदूषण की बात कर लीजिए, चाहे आप नॉइस यानी कि आपका ध्वनि प्रदूषण की बात कर लें, चाहे आप न्यूक्लियर यानी कि परमाणु प्रदूषण की आप बात कर लें, चाहे आप बात कर लें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हाँ, ये ज़रूर है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन है वो आपको बड़ा पूछा गया। जैसे यहाँ पर आप बात कर लीजिए, यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट जो मैनेजमेंट है यानी कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन है, यहाँ से ज़्यादातर बड़े क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। और इसमें भी स्पेशली कुछ कुछ चीज़ों को अंडरलाइन करते हुए, उदाहरण के तौर पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वर्मी कंपोस्ट की भूमिका, मतलब यहाँ पर अब आप बाकी चीज़ नहीं ले सकते, पहले तो आपने भूमिका यानी कि आपको स्टार्टिंग में बता देना है कि सॉलिड वेस्ट क्या होते हैं, ये आपने दो लाइन में यहाँ पर बता दिया। फिर आपने बताना है कि सॉलिड वेस्ट के तरीकों में, या यूं कहें कि सॉलिड वेस्ट में जो एक पार्ट होता है जिसको हम लोग घरेलू कचरा कहते हैं यानी कि डोमेस्टिक जो वेस्टेज होता है, इसमें केचुए के माध्यम से कैसे हम इसको फर्टिलाइजर के रूप में, उर्वरक के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस आपको बताना है वो 8 मार्क्स के हिसाब से यानी कि उस रेशियोज के हिसाब से 100 वर्ड्स के हिसाब से आपने यहाँ पे कवर करना है। एक और चीज़ आपको याद रखना है, कभी भी इस प्रकार की चीज़ें दी जाती हैं तो चूंकि ये CGPSC का पेपर है और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की यदि कोई योजना, याद रखना बेटा, आप कभी ये ना समझें कि सर ये तो एनवायरनमेंट का सेक्शन है, इसमें छत्तीसगढ़ का क्या ही लेना देना। आप ये ना सोचें, CGPSC पेपर ले रहा है, CGPSC का सिलेबस है, टॉपिक है, यदि आपको ऐसा लग रहा है और लग रहा है क्या लगना चाहिए कि छत्तीसगढ़ PSC के अंतर्गत आने वाली या छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ऐसी योजना जो वर्मी कल्चर से संबंधित है, तो आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर जो गोबर खरीदी करी जा रही थी उससे कुछ कुछ आपके खाद बनाए जा रहे थे जिसको हमने ग्रीन कंपोस्ट, वरी कंपोस्ट एंड ऑल इसके रूप में जाना था, तो इसको आपको वैल्यू एडिशन करना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? चूंकि 8 नंबर का प्रश्न है, आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर आधारित क्वेश्चन नहीं बना सकते, आपको अन्य चीज़ें भी यहाँ पर डालनी पड़ेंगी, तो आपने लास्ट में इस प्रकार से इन चीज़ों को वैल्यू एडिशन करते चलना है। इतना क्लियर क्या सभी को? इतना क्लियर बेटा सभी को? ठीक है, तो यहाँ के ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं आपके, बड़े क्वेश्चन आए हैं, 8 नंबर वाले आए हैं और 15 नंबर वाले आए हैं, तो ये वाला पार्ट आप विशेष रूप से देखेंगे। बाकी जो जल प्रदूषणों की हम बात कर लेते हैं, रेडियोधर्मी मतलब इसी को न्यूक्लियर प्रदूषण कहते हैं, इसमें क्या क्या आता है? कारण देगा, प्रभाव देगा, नियंत्रण देगा। मतलब पूछ रहे कि भाई इसके क्या क्या आपके पास कॉजेस हैं, रीज़न आपको पूछ रहे क्यों होता है, इसके आपके इम्पैक्ट किसको किसको इम्पैक्ट होने वाला है, किसको किसको प्रभाव होने वाला है, और कौन कौन से हमारे पास कंट्रोल टूल्स हैं, क्या क्या हमारे पास कंट्रोल यानी कि इसको नियंत्रण करने की विधियां हैं। तो सिंपल सी बात है, जो कारण हैं उसी कारणों को हम अगर रिवर्स कर दें तो वही क्या हो जाता है, हमारे लिए कंट्रोल टूल्स हो जाता है। जैसे अगर मैं यूं कहूं कि रेडियोधर्मी प्रदूषण के प्रमुख कारणों में क्या हो रहा है कि हम क्या करते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग करते हैं यानी कि परमाणु परीक्षण, या न्यूक्लियर हथियार, परमाणु हथियारों का उपयोग कर रहे हैं। इसीलिए तो हुआ ना भाई, जापान में जो घटना घटित हुई थी, लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ये जो बम जो गिराए गए थे, क्या किया गया था? परमाणु हथियारों का प्रयोग किया गया था। ये क्या था? कारण था। अब निदान में क्या आएंगे? रीजंस, इसके जो आपके कंट्रोल्स हैं, तो कंट्रोल में क्या करो? परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध। अरे इसको आप ऐसे समझो ना, कोरोना होने के क्या क्या कारण थे, लक्षण बाद में आएंगे, क्या क्या कारण थे जिससे कोरोना हो रहा था लोगों को, तो आप क्या बोलोगे? भाई आप बिना मास्क के जा रहे थे, आप हाथ सैनिटाइज नहीं कर रहे थे, आप भीड़भाड़ वाली जगहों पे जा रहे थे, यही सब लिखोगे ना? अरे हाँ या ना? अब ये क्या हो गए? कारण हो गए। निदान, कैसे हम बच सकते हैं, या क्या क्या जिससे हम नियंत्रण कर सकते हैं, तो आप क्या बताओगे? हम जो है बॉइल वाटर पियेंगे, हम नॉर्मल पानी नहीं पियेंगे, हम जो है अपने हाथों को प्रॉपर सैनिटाइज करेंगे, हाथ धोएंगे, हम जो है भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचेंगे, हम जो है मास्क पहनेंगे। मतलब जो जो रीजंस, जिस जिस कारण से वो चीज़ हो रही थी उसको आपने रिवर्स कर लेना है, वहीं से आपका बन जाएगा नियंत्रण विधि यानी कि कंट्रोल मेथड्स। प्रभाव में क्या करेंगे? प्रभाव में भी देखिए, जो जो आपने देखे, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर, तो प्रभाव हमेशा कैसे होते हैं? आपके नेगेटिव होते हैं, याद रखना।
प्रभाव कैसे रहेंगे हमेशा आपके नेगेटिव, मतलब ये कभी नहीं हो सकता कि इस प्रदूषण का प्रभाव आपका, जैसे यहाँ पर भी आप देखिए जल प्रदूषण का मानव पौधों जंतु वातावरण पर क्या क्या हानिकारक प्रभाव, प्रभाव हानिकारक ही होगा, नेगेटिव ही होगा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, ये 15 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें आपको पूछा गया जल प्रदूषण क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, इसके लिए आपको 2 नंबर मिल गए। अब इसका प्रभाव मानव पे अलग, पौधों पे अलग, जंतु पे अलग और वातावरण, तो कम से कम आपने यहाँ पर 4 अलग अलग कैटेगरीज आपने बनानी है। मानव के प्रभाव की बात करेंगे तो मानव को होने वाले रोगों को डालना पड़ेगा, बात समझ आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ, मानव प्रभाव की जब हम यहाँ पर बात करें तो मनुष्य को जल प्रदूषण से किन किन रोगों का सामना करना पड़ता है। अब इसको क्या करना बेटा, एकदम सिंपल है, मान लेते हैं अगर आपने इसको यहाँ पर पढ़ा है जल प्रदूषण से होने वाले 2 जीवाणु रोग और 2 प्रोटोजोआ रोगों के नाम लिखें, चूंकि क्वेश्चन है तो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो इसी पॉइंट को आपने बता दिया कि सर जो 2 रोग हो रहे हैं वो आपके बैक्टीरिया जनित हैं और जो 2 वाले हैं आपके प्रोटोजोआ से हैं। जो आपने कंटेंट रेडी करा था इसी कंटेंट को कॉपी और यहाँ पर कर देना है तुमको पेस्ट, एकदम आसान, कुछ नहीं। फिर वापस आ जाओ यहाँ पर, और कुछ पूछा है क्या जल प्रदूषण से संबंधित, एक क्वेश्चन और आपको पूछा गया था सेम, अभी जो ये कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, इसके पहले आप देखोगे तो 2 नंबर का फिर से क्वेश्चन यहाँ पर आया है, जल प्रदूषण के कारण होने वाले 1 जीवाणु जनित और 1 प्रोटोजोआ जनित। कहने का मतलब ये हो रहा है कि सर जब आप बड़ा क्वेश्चन रेडी करते हैं ना तो उसके अंतर्गत ऑलरेडी छोटे छोटे क्वेश्चन पहले ही तैयार हो जाते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इन सारी क्वेश्चंस को अलग से रेडी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है अम्लीय वर्षा क्या होता है, अब ये छोटा क्वेश्चन आया है इससे आपका बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे यहाँ पर एक और है विषैले पदार्थ के नाम लिखे जिससे जल प्रदूषण होता है, मतलब कहीं ना कहीं ये सिंपल पॉल्यूटेंट्स की बात कर रहा है, ये प्रदूषकों की बात कर रहा है, बात समझ आ रही है। हमने एसिड रेन की बात करी तो अम्लीय वर्षा जो है क्वेश्चन सीधा पूछा गया कि क्या होता है, तो आपने बता देना सर कि जैसे ही वर्षा का जल जब आसमान से यानी कि आपका सॉरी बादल से जब नीचे आता है तो उस दौरान बहुत सारे फॉर एग्जाम्पल जिसमें से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड की बात कर लेते हैं, इनके पार्टिकल्स उसमें मिल जाते हैं और क्या बनाते हैं, वो निर्माण करते हैं एसिड रेन का यानी कि अम्ल वर्षा का, इतना बता के आपने फिनिश कर देनी है। अब मान लेते हैं ये बड़ा क्वेश्चन आएगा, आपको रेडी कैसे रखना है, इसको रेडी कैसे रखना है आपको बड़े क्वेश्चंस के लिए, बड़े क्वेश्चंस मतलब आप समझना बेटा, यहाँ पर आपने टॉपिक क्या मेंशन करा है, यहाँ पर आपने एसिड रेन अम्ल वर्षा, तो पहले तो आपने बता देना कि क्या होता है, ये क्या होता है, व्हाट इज एसिड रेन। अब आपने बता देना है कैसे और क्यों होता है, ये कैसे होता है और क्यों होता है, मतलब आपको बताना कि हाउ, ये सिर्फ एसिड रेन के बारे में आप बता रहे हैं। फिर आपने बता देना है इसके प्रभाव, बड़े क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, क्या क्या इसके इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्या क्या इसका इफेक्ट होने वाला है, इसकी आपने बात कर ली। फिर आप बता सकते हैं नियंत्रण तरीके, कंट्रोल टूल्स, कैसे आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे जब बड़े क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले आपने बता देने कि भाई इसके क्या क्या कंपोनेंट्स या किन किन चीज़ों से मिलके बन सकता है, तो हमने क्या क्या बताया अभी, सबसे पहले हमने बताया आप लोगों को उदाहरण के तौर पर H2SO4, ठीक है, एक और क्या बताया आपको HNO3, तो ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपने लिखने पड़ेंगे। तो H2SO4 तुम्हारा क्या हो जा रहा है बेटा, यहाँ पर ये हो जा रहा है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल और ये हो जाएगा तुम्हारा नाइट्रिक अम्ल, ये बेसिक आपने बता दी। अगर और बड़ा क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको फिर से बाइफर्केट करो और बताओ कि भैया ये बनते कैसे हैं, तो आपने बताना है कि इसको बनने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक तो वाटर होगा, जल होगा, जल के साथ मिलेगा कौन मिलेगा भाई, सल्फर की ऑक्साइड SOX, इसके साथ कौन हो रहा है सर, आप अगेन बता देना हमारे पास क्या है, वाटर है, इनके साथ कौन मिलेगा जी, नाइट्रोजन की ऑक्साइड NOX, एक्स का मतलब होता है ऑक्साइड्स। तो आप यहां पर एक तो फॉर्मूले में भी आपने लिखने हैं और यहां पर नीचे शब्दों में भी लिखना है, क्या है जी, ये जल है, ये क्या है जी, सल्फर के ऑक्साइड है, दोनों मिलने के बाद क्या बना रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहे हैं। फिर आपने बता देना है कि ये कैसे कैसे बना और क्या क्या इसका इम्पैक्ट या क्या क्या इसके नेगेटिव प्रभाव हुए, नेगेटिव प्रभाव में जब आएंगे तो बताएंगे कि इससे आप 3 अलग अलग कैटेगरी ले लीजिए, 3 अलग अलग मतलब एक तो जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव हो रहे हैं या दूसरा हो जाएगा मनुष्य पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसमें आप पेड़ पौधे भी आप लिख सकते हैं,
फिर आप यहाँ पर बता देना है कि इमारतों पर, मॉन्यूमेंट्स पर क्या प्रभाव रहे, सबको अलग अलग लिख लो भाई। आपने बताना जीव जंतु जो रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, उनके जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जो रहता है वो क्या हो जाता है, समटाइम्स ब्लॉक हो जाता है, पत्ते झड़ने लग जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जीव जंतु में अजीबोगरीब निशान बन जाते हैं, इंसानों में भी कुछ गांठ या फिर शरीर में दाग धब्बे के निशान बन जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग रहते हैं जब जल में मिलने के बाद हमको एसिडिटी की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है, हमारे स्टमक को प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पर जब इमारतों की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इमारतों जो उनका कलर जो रहता है वो चेंज हो जाता है, पीले पड़ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें आपने कैटेगरी वाइज यहाँ पर क्या करनी है, बतानी है। ये बड़े क्वेश्चन की बात हो रही है, छोटे क्वेश्चन में आएगा तो आप इनको एक साथ लिख सकते हैं। फिर हम चलेंगे इनके नियंत्रण, क्या क्या चीज़ों से इनको नियंत्रित किया जा सकता है। तो नियंत्रण में हमने हमेशा बताया जिसके कारण हो रहा है उन कारणों को क्या कर लो, आप कंट्रोल कर लो। आप कहो कि कम से कम इनका उत्सर्जन हो। अब उत्सर्जन कहाँ से होता है ये आपको बताना पड़ेगा। तो आप बताएंगे कि भाई इनका जो एमिशन हो रहा है, इनका जो एमिशन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो हो रहा है इंडस्ट्रियल रीजन से, कारखानों से, ठीक है ना। तो आपने बताना है कि NOx जो है वो कहाँ से ज़्यादा निकल रहा है और SOx है ये कहाँ से ज़्यादा निकल रहा है। तो जब हम NOx की बात करते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की हम बात करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स यहाँ से ज़्यादातर आपको NOx देखने को मिलेंगे। हम जब SOx की हम बात करते हैं तो ये कारखानों से आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है, सल्फर्स, ठीक है। तो आप बताएं कि कम से कम हम क्या कर सकें, इनका उपयोग करें या कम से कम इसका एमिशन हो। जब एमिशन कम होगा तब इनका जो उत्सर्जन है वो कम होगा, यानी आपका दोनों तरीके से अगर मैं बात करूं तो जल के साथ इनका जो मिश्रण जो बना रहे, जो कंपाउंड जो बना रहे, यौगिक जो बना रहे वो कम बनेगा, तब एसिड रेन कम हो पाएगा और ऐसी स्थिति में जो है हम इससे बच पाएंगे। ये चीज़ बता दीजिए या उससे बचने के आप तरीके बता दीजिए कि हमको कवर्ड करके रखना पड़ेगा। अब इतना सारा घर, इतने बड़े घर को तो हम कवर नहीं रख सकते, हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपने यहाँ पर बतानी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वाला पार्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम जब आपके लिए लेकर आने वाले हैं, राइट। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, अगेन सेम इसके कारण, प्रभाव और नियंत्रण। मतलब आपने एक बेसिक चीज़ बता लेनी है, जितने भी पोल्यूशन, जितने भी प्रदूषण आप पढ़ रहे हैं उनमें कौन कौन से उसके कॉजेज़ हैं, कौन कौन से उसके कारण हैं, कौन कौन से कंट्रोल टूल्स हैं, क्या क्या नियंत्रण विधियां हैं और क्या क्या उनके प्रभाव हैं, क्या क्या उसके इम्पैक्ट, क्या क्या इफेक्ट उससे होने वाले हैं। इफेक्ट भी हमने बता दिया, तीनों पर आप देखना, जीव जंतुओं पर, मनुष्य पर, पेड़ पौधों पर। तो इस प्रकार से आपको ये टॉपिक जो है वो कवर करना है, वो टॉपिक रेडी करना है। और जाते जाते एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको बता दूं मैं, जितने भी हमने यहाँ पर पेपर का डिस्कशन किया है, जो भी पेपर्स हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये पेपर नंबर आपका 4 का पार्ट 3 होने वाला है। और जितने में आप इसको तैयार करके 40 नंबर लेके आएंगे, उतने आप बहुत से ऐसे पेपर्स हैं जो कि थोड़े से टफ कैटेगरी के होने वाले हैं। जैसे आप पेपर 7 की आप बात कर लें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको उन पेपर्स को स्किप करना है, लेकिन यस मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इन पेपर्स को आपको प्रायोरिटी बेसिस पे करना है। कहने का मतलब ये हो रहा है सर, आप इसमें लिमिटेड दो टॉपिक को रेडी करके जाते हैं, एक है बायोडाइवर्सिटी और एक है पोल्यूशन, उसमें से भी आपका 40 नंबर का कंटेंट रेडी हो जाता है और कहीं ना कहीं आपको 30 से 35 मार्क्स वहाँ पर आराम से आपको मिलने वाले हैं। अगर आपने ठीक ठाक बना लिया और बहुत अच्छा किया तो 40 तक भी आप वहाँ पर आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो इसको आपको लाइटली नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से आपको यहाँ पर करना है, कवर करना है। होप्स आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और यस, बहुत जल्द हम फिर आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर जो है कंटेंट बेस्ड वीडियो लेकर आने वाले हैं। आपको इसमें से किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, एनवायरनमेंट वाले जो हमने आज यहाँ पर कवर किया उसमें से किस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर दें वीडियो ख़त्म होने के बाद, तो डेफिनेटली उस टॉपिक पर हम फोकस करेंगे कि उस पर एक वीडियो आपके लिए लेकर आए। तो बने रहे हमारे साथ कंपटीशन कम्युनिटी के साथ, हम और करेंगे मुलाकात बहुत जल्द। हम आने वाले पेपर्स यानी कि ज्योग्राफी का भी हम आपके लिए एनालिसिस लेकर आने वाले हैं, पेपर 7 पार्ट 2 का लेकर आने वाले हैं, छत्तीसगढ़ एसे का भी लेकर आने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट का आने वाला है यहाँ पर। तो आप बने रहे हमारे साथ, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, जय हिंद।